मध्य प्रदेश में अनोखी शादी का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें देखा जा सकता है कि पीपीई किट पहनकर दूल्हा दुल्हन सात फेरे ले रहे हैं। परिवार के और लोग भी वहां मौजूद हैं। सभी ने पीपीई किट पहनी हुई है। आखिर क्यों इन लोगों को पहनी पड़ी पीपीई किट, तो वजह काफी चौंकाने वाली थी। लॉकडाउन की वजह से प्रदेश भर में बैंड बाजा और बारात पर रोक है। कम लोगों की मौजूदगी में ही फेरे लिए जा सकते हैं। ऐसे में रतलाम में हुई एक शादी चर्चा में हुई है। यहाँ दूल्हा दुल्हन ने पीपीई ड्रेस पहनकर सात फेरे लिए, वो भी सरकारी अफसरों की मौजूदगी में। हुआ यूं कि प्रशासन को जानकारी मिली कि शहर के एक मांगलिक भवन में शादी हो रही है, दूल्हा कोरोना पॉजिटिव है। खबर पाकर तहसीलदार नवीन गर्ग शादी रुकवाने दूल्हे के घर परशुराम बिहार पहुंचे। दूल्हे की कोरोना रिपोर्ट 19 अप्रैल को पॉजिटिव आई थी, इसके बावजूद वो सात फेरे लेने जा रहा था, जिसके बाद प्रशासन ने शादी रोकने के लिए कहा। लेकिन परिवार के सदस्यों ने घर में उम्र दराज बुजुर्ग होने का हवाला देकर शादी न टालने की मिन्नत की, तो अफसर भी पिघल गए। आला अधिकारियों के निर्देश पर इस शादी की परमिशन दे दी गई। शर्त ये रखी गई थी कि दूल्हा दुल्हन पीपी ड्रेस पहनकर शादी करेंगे। इस पर दोनों परिवार सहमत हो गए और शादी संपन्न हुई। शादी पीपी किट पहन के हुई है और सभी लोगों का बहुत बहुत सहयोग रहा। अच्छा, ये बताएं सर, बालक कोरोना संक्रमित कब हुआ था और फिर ये 14 तारीख को हुआ था। 14 तारीख को तो हाँ, शादी और आगे बढ़ाने के लिए नहीं सोची कोरोना संक्रमण काल में आप शादी करें? सर, ये सिम्टोमेटिक था और इसका इलाज अपने खंडेलवाल साहब और मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर लोगों ने दवाई दी थी, वो घर पे ले रहा था। प्रशासन से क्या अनुमति ले ली थी आपने लिखित में? ये यहाँ हॉल की तो अनुमति लड़के वालों ने ली थी, नहीं शादी करने की। हाँ, शादी करने के लिए थी। आपने ली थी कि नहीं? नहीं, मैंने नहीं ली। फिर आपको पता है कोरोना संक्रमण फैलता है इस तरह से भीड़ करने पे, कुछ करने पे, फिर आपने इतना बड़ा कदम उठाया? तो ये एक्चुअल में क्या है, दिन ज़्यादा हो गए थे। हाँ। तो मैंने सोचा कि अब ए सिम्टोमेटिक भी है, दिन भी ज़्यादा हो गए। हाँ। तो अब ज़्यादा परेशानी तो आएगी नहीं उसमें। हालांकि प्रशासन के अमले ने बड़े बुजुर्गों के कहने पर शादी तो करवा दी, लेकिन अब वो कार्रवाई की बात कह रहे हैं। उनकी माने तो प्रोटोकॉल को तोड़कर ये शादी की जा रही थी, जो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। बारात तो ये यहीं पे परशुराम बिहार है, मेडिकल कॉलेज के पास में, वहीं से आई है और पॉजिटिव ये 19 तारीख को आए थे। इसके अलावा ये कहीं बाहर थे, बाहर से आए हैं परशुराम बिहार में। शादी हो रही थी, जानकारी मिली कि पॉजिटिव पेशेंट है और दूल्हा खुद पॉजिटिव है, तो इसलिए यहाँ शादी का कार्यक्रम रुकवाने के लिए आए थे हम। लेकिन ऑन रिक्वेस्ट और बड़े अधिकारियों के मार्गदर्शन के बाद पीपी किट में शादी करवाई गई है, जिससे संक्रमण न फैले। 19 तारीख को पॉजिटिव आया था, ये पॉजिटिव आया है, उसने जानकारी छिपाई है अपनी, और तो इस पे क्या कोई कार्रवाई बनती है? हाँ, अधिकारियों के मार्ग कोई पूरी जानकारी है इसकी, जो भी मार्गदर्शन आगे मिलेगा, अभी ये कार्रवाई कर दी है, इसके बाद जो भी जानकारी मिलेगी उसके अनुसार भी कार्रवाई करेंगे। कोरोना पेशेंट जो संक्रमित है उसको क्या शादी करने की छूट दी जा सकती है? नहीं दी जा सकती है। फिर आप लोग खुद ही शादी करवा रहे हैं? अब शादी का जो कार्यक्रम तय हो गया था, और ऑन रिक्वेस्ट इनके वहाँ एक हार्ट पेशेंट है जिनकी कभी भी डेथ हो सकती है, जाके कंटेनमेंट खोल कर बाहर आए हैं। कंटेनमेंट बना हुआ था घर, मैं खुद जाके चेक करके आया हूँ। चूँकि ये बाहर आए हैं, अब इनके ऊपर 188 की कार्रवाई भी हो सकती है, 51B की कार्रवाई भी हो सकती है, 269, 270 की कार्रवाई भी हो सकती है, लेकिन वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन के बाद ये कार्रवाई भी आगे की जाएगी। अगर ये अभी पता नहीं लगता तो ये शादी होती है, कई लोग इससे संक्रमित हो सकते थे, संक्रमित हो सकते थे, लेकिन जानकारी मिली है समय पर। कुछ तो आपका भी तत्व अच्छा रहता है, आपका सहयोग रहता है, जिससे हमको जानकारी मिल जाती है, इससे ये बड़ा संक्रमण फैलने से रुक गया। दूल्हे पेशे से इंजीनियर है और वर वधु पक्ष रतलाम के ही महेश नगर में रहता है। शादी में वर पक्ष की ओर से 4 और वधु पक्ष की तरफ से पंडित को मिलाकर 4 लोग यानी कुल 8 लोग इस शादी में शामिल हुए। शादी के बाद दूल्हे और दुल्हन का कहना था कि उन्हें उम्मीद नहीं थी, लेकिन बड़े बुजुर्गों की सलाह के बाद और स्थानीय प्रशासन की स्वीकृति से शादी संपन्न हो सकी और उन्हें खुशी है। इलाके में इस शादी की खासी चर्चा है। रतलाम से समीर खान की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।